हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जिन्होंने साल भर फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब फिजिक्स को हाथ भी नहीं लगाया है। तो इस वीडियो में दिए गए अगर आंसर जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आंसर आप बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो, तो आपको भले से ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ना पूछे एग्जाम में, मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देना, भले से एग्जैक्ट क्वेश्चन ना पूछे एग्जाम में, लेकिन इस कंसेप्ट पर जरूर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंसेप्ट पर जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप इसके कंसेप्ट और ये क्वेश्चन आंसर्स करके जाते हो, प्लस एमसीक्यूज और वन मार्क क्वेश्चन के करके जाते हो, मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने पढ़ाई की है पूरे साल भर। तो प्लीज उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगी, प्लीज रिवीजन पे ध्यान दो, यहाँ वहां मत भटको। आप देख सकते हो कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप उसको और भी अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इस पे ही टिकना नहीं है आपको। ओके, सो भौकाल मचा दोगे आप एकदम से अगर ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए। तो चैप्टर वन के तीन क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ परपेंडिकुलर एंड पैरेललेक्सिस थ्योरम, इन दोनों में से कोई ना कोई एक पूछा जाता है एग्जाम में। ऑब्टेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। फिर चैप्टर टू में एक दो तीन ऐसे तीन क्वेश्चंस आपको हैं, ठीक है। इसमें से तीनों के तीनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में से सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, वही मैंने आपके लिए ढूंढ कर निकाला है, ठीक है। तो इतना तो एटलीस्ट कर लो। देखो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ सर पे हाथ रख के बैठे हो, बाकियों की तरह हम पूरा आपको भंडार नहीं दे रहे हैं। हमको पता है कि जब बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है तो बच्चा इतना सारा एक साथ कैसे करेगा, मशीन थोड़ी ना है, बच्चा है भाई, उसके इमोशंस मुझे समझ में आते हैं, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट उस वक्त से गुजरी हूँ जिस वक्त में आप हो। तो आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा अच्छी तरीके से आपको कोई पहचान नहीं सकता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ ना करने से अच्छा ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो प्लीज। फिर थर्ड चैप्टर में से भी आपको सिर्फ और सिर्फ चार क्वेश्चन, देखो अब इससे भी ज्यादा अगर रिड्यूस कर दूंगी तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो तो फिर छूट जाएगा ना। यहाँ पर एक्सप्लेन की स्पेलिंग गलत हो गई है, सॉरी, उसको यहाँ पे भी क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन की एक्सप्लेन की स्पेलिंग ही गलत लिख रही हूँ मैं, सॉरी। ओके, फोर्थ चैप्टर से, फोर्थ चैप्टर में काफी ज्यादा कुछ रिड्यूस्ड है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं और बाकी मैंने आपको बोला है एमसीक्यू पे ध्यान देना है और वन मार्क्स के डेफिनेशंस, वन मार्क क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अब ये वन मार्क क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा मेरे बच्चों, तो इसी चैनल पे, ऑनलाइन शाला पे, आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप ढूंढोगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पीसीएमबी करके एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है, वहां पे हर एक चीज आपको मिलेगी, एज वेल एज आपको आई बटन पे वन मार्क्स के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगी, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। फिफ्थ चैप्टर में भी दो ही आपको दिया है, ये जो फर्स्ट वाला है वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकेंड वाला भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्लीज पढ़ो बच्चा, प्लीज पढ़ो, अपनी मैम का नाम रोशन करो यार, और एग्जाम होने के बाद मैम को भूल मत जाना, ठीक है। सिक्स्थ चैप्टर में से भी दो ही मैंने आपके लिए निकाला है कि एटलीस्ट आप ये करो। देखो, अगर मैं आपको पूरा का पूरा भंडार दे देती हूँ ना, तब आप नहीं पढ़ पाओगे, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आपको लाइब्रेरी में बैठा दिया, आपके पास बुक्स बहुत सारी हैं, लेकिन क्या आप वो सारी बुक्स पढ़ सकते हो क्या, नहीं ना। लेकिन अगर मैंने आपको एक रूम में बैठा दिया और एक दो बुक आपके पास रख दी, तो उसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप वो पूरी की पूरी बुक खत्म कर दो पढ़ के फटाफट, समझ में आ रहा है। तो ऐसा सिनेरियो है। सेवन चैप्टर, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन, ठीक है, सेकेंड और
थर्ड, ऐसे तीन क्वेश्चंस हैं, स्टेट हाइगेंस प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेन हाइगेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट, तो दोनों में से एक चीज पूछी जा सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो इस वाले वीडियो में 7 चैप्टर तक ही दिया है, आने वाली पार्ट 2 वाली वीडियो में मैं आपको आगे के चैप्टर्स पूरे के पूरे कवर कर दूंगी। तो प्लीज आपके पास 9 तारीख तक का समय है, 10 तारीख को आपका फिजिक्स का पेपर है, 9 तारीख तक का समय है, तो प्लीज 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 पढ़ना चालू कर दो अगर आपने नहीं किया है तो। समझ में आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है आपकी वजह से कि आप कैसे पढ़ोगे, आपका क्या होगा इस वजह से, तो प्लीज मेरा स्ट्रेस दूर करो और पढ़ाई करना चालू करो और कमेंट करके बताओ कि यस मैम मैंने पढ़ना चालू कर दिया है, यस मैम आपके जो वीडियोस हैं मेरे लिए हेल्पफुल हैं या फिर हेल्पफुल नहीं है तो वो भी बताओ, या फिर आपको और क्या चाहिए वो भी आप प्लीज बताओ, क्योंकि आपके पास ये आखिरी चांस है कि आप 12th के लिए कुछ अच्छा कर सको, तो किसी भी चीज की कसर नहीं रहनी चाहिए, तो हर एक चीज अपने को करना है, अच्छा मार्क्स लाने का है अपने को, तो आप मुझे अपनी बड़ी बहन समझ सकते हैं, अपनी मैम समझ सकते हैं, जो आपको समझना है, फ्रेंड समझ सकते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स और अपने जो भी कंसर्न्स हैं मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपका बहुत जल्द प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहो और ऐसे ही हंसते रहो, खेलते रहो और मुस्कुराते रहो, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा आपको, बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।